हेलो फ्रेंड्स, संगीतास किचन में आपका स्वागत है। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिखाया गया लाल सब्सक्राइब बटन दबाएं और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं। आज हम बनाएंगे बटर पीनट चिक्की। इसके लिए मैंने यहाँ पे 200 ग्राम पीनट लिए हैं, ये मूंगफली के दाने, और 150 ग्राम चीनी ली है और 2 चम्मच बटर लिया है। पहले हम पीनट को रोस्ट करेंगे, इसके छिलके निकल जाए इतना हमें इसे रोस्ट करना है। इसमें हमें 5 से 6 मिनट लगेगी। ये देखिए, हमारे पीनट रोस्ट हो गए हैं, इस तरह से छिलका निकल जाता है। अब हम इसे ठंडा करके सारे छिलके निकाल लेंगे। पीनट को हमने, ये देखिए, छिलके निकाल लिए। अब हम थोड़ा थोड़ा इसमें डाल के ग्राइंड करेंगे। ज़्यादा हमें पाउडर नहीं करना, थोड़ा सा हमें दरदरा रखना है, तो रुक रुक के चला के इसे ग्राइंड करेंगे। ये देखिए, दरदरा हमने पाउडर बना लिया है। पहले तो हम एक तड़का पैन में ये हमने जो 2 चम्मच बटर लिया है वो डालेंगे और इसे मेल्ट करेंगे। ये देखिए, बटर हमारा मेल्ट हो गया है। हम इसे साइड में रखेंगे और एक पैन रखेंगे, इसे हम थोड़ा गरम होने देंगे। पैन हमारा गरम हो रहा है, तब तक हम एक थाली पे थोड़ा सा घी लगाएंगे। चारों ओर घी को हमें फैला देना है अच्छे से। और एक कटोरी पे भी लगा देंगे। पैन हमारा गरम हो गया है, अब हम इसमें इस तरह से फैला के चीनी डाल देंगे। और 2 से 3 मिनट में ही हमारी चीनी पिघलने लगेगी। ये देखिए, चीनी मेल्ट हो रही है। अब हम इसे थोड़ा सा चला लेंगे। और इसी तरह हम चीनी को पूरा मेल्ट कर लेंगे। चीनी मेल्ट हो गई है, ये देखिए। अब हमने जो 2 चम्मच बटर मेल्ट किया है वो डालेंगे और इसे चलाएंगे। और इसी में हमने जो ये पीनट का पाउडर करके रखा है वो डालेंगे। और इसे ज्यादा पकाना नहीं है, बस ऐसे मिक्स करके गैस को हम ऑफ करेंगे। अब हम इसी थाली में ये हमने जो बनाया है वो डाल देंगे। और ये जो कटोरी पे हमने घी लगा के रखा है, इसे इसी से हम पूरा फैला देंगे। ये आप जितना पतला ज़्यादा रखना चाहें उतना रख सकते हैं। मैं मार्केट में अभी पतली ही मिल रही है, तो मैं उसी तरह से बना रही हूँ।
ये देखिए हमने फैला लिए, अब हम गरम ही रहेगी तभी हम इसमें कट लगा देंगे। आप पीस अपने हिसाब से छोटे बड़े कर सकते हैं। मैंने अभी स्क्वायर पीस में ही कट किया है इसे। ये देखिए अभी हमारी यहाँ पे ठंडी हो गई है तो अभी चप्पू नहीं जा रहा, तो हमें पूरा ऊपर से इसे इस तरह से दबा देना है ताकि यहाँ से ही कट हो। अब हम 2-3 मिनट में इसे इसके पीस निकालेंगे। ये ठंडी हो गई है, अभी हम इसको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता ठंडी होने में। ये देखिए देखिए अच्छे से हमारे पीस निकल गए हैं। और देखिए ये कितनी स्टॉप बनी है, ये देखिए पूरा इसे इस तरह से कट कर सकते हैं। इस बार मकर संक्रांति पे कुछ नया बनाते हैं। देखिए कितनी अच्छी लग रही है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है, तो एक बार आप इसे जरूर ट्राई करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।